हेलो मैम, हेलो सर, एक बार थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे आप? अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम मैडम अवधेश सिंह परमार। ओके। ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, विजयनगर एक में रहता हूँ, अभी चार प्लेस में जॉब करता हूँ। तो सर, आपने हमारे यहाँ न्यूट्रिक में लेने से पहले तो और भी जगह देखा होगा जी। क्या चीजें आप देख रहे थे एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए? मैडम, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए क्या है कि मैं बिल्डरों से तो काफी मिला, देखा भी मैंने, लेकिन और जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं उन्होंने पहले से ले रखा था, तो वो एक उनके थ्रू में आया तो उन्होंने बताया कि आडी गुप्ता जी का प्रोडक्ट ऐसे ऐसे आ रहा है, आगे ग्रोथ भी है, अच्छा है, तो उनके माध्यम से मैंने एक बुक भी किया, बुक किया था, और हालांकि ग्रोथ तो मिल ही रहा है जी, जी। ग्रोथ तो मिल ही रहा है, ये अच्छा लगा मैंने आडी गुप्ता ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके। अब आगे अगर चाहूंगा कि और भी अगर कोई आ गया सही तो उसमें भी करना चाहूंगा अगर कुछ हो। सर, दो तीन चीजें आप ऐसा बताइए जो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम देख रहे थे कि ऐसी चीजें होनी चाहिए मैं जो प्रॉपर्टी खरीदूं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मैडम मैं सोच रहा था कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आगे मेरे ग्रोथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं कुछ दिक्कत आ जाए तो मेरा पैसा ब्लॉक भी हो जाए। हाँ, सही बात। तो इस प्रकार से देख रहा था तो कुछ लोगों ने बताया नहीं आर्टिस्ट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनका नाम ही काफी है, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया मैंने उसमें, अच्छा लगा मेरे को। तो सर, आप अपने रहने के लिए लिया है या आप इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं मैडम, इन्वेस्टमेंट तो अभी फिलहाल नहीं है, अभी मकान तो अपना है ही है, लेकिन आगे चल के उसको बना भी सकते हैं। अच्छा जी। और आप हमें बताइए कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि हम कहीं इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या फीडबैक दीजिए हमें कि कहीं कोई इम्प्रूवमेंट है, स्कोप है हमारे पास इम्प्रूवमेंट का, तो हम अपने कस्टमर से जानना चाहते हैं कि कुछ आपको लगता है कि कहीं हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी सर्विसेज में। प्रोजेक्ट जो आप लाए हैं न्यूट्रक वाले गार्डन सिटी वाला जी, शायद इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है आपका या पहले शायद मेरे नॉलेज में तो आया नहीं है। ओके। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट आगे भी कभी आए तो उसमें कुछ मध्यम वर्ग या कुछ जैसे परिवार वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते। अच्छा, करें लो इनकम बजट के लोगों के। हाँ, जैसे सपोज करिए 30-40 हज़ार अगर इनकम वाला व्यक्ति अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो कुछ उसको ग्रोथ मिलेगी आगे चल के, वो थोड़ा तो इन्वेस्ट करना पाएगा। और सर, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब आपने हमारे साथ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी, कोई दिक्कत आई आपको प्रॉपर्टी में या हमारे साथ काम इन्वेस्टमेंट करने में, हमारे प्रोजेक्ट के लोगों से बात करके, हमारे कलीग से, न्यूट्रिक के लोगों से, या आपको जब ये डील करी आपने तो कोई आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई मेरे को शुरू से एंड तक, कभी नहीं, जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व बाकायदा टाइम सॉल्व भी, अभी कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं आई, नहीं। और आपने और भी प्रॉपर्टी देखी होंगी जब आप लेने चले होंगे, तो आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिक उन लोगों से कैसे अलग है? न्यूट्रिक उन लोगों से ऐसे अलग है, एक मार्केट में एक विश्वास रहता है कि बिल्डर ने अगर साइट काटी है या प्रोजेक्ट कोई लाया है तो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा या आगे चल के कैसा चलेगा, उस चीज में मेरी जहाँ तक राय है आरडी गुप्ता जी के बारे में तो प्रोजेक्ट अभी तक कोई तेलुगुवानी बढ़िया चलाई, तो यहाँ अगर इन्वेस्ट करने में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम। जैसे आप विनय नगर बता रहे हैं, आप विनय नगर में रहते हैं और गार्डन सिटी हमारा पूरा ग्वालियर से बाहर निकल कर जी जी, तो वो चीज आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब आपको नहीं है कि मैं थोड़ा सिटी से अलग हो जाऊंगा या ऐसा? नहीं, सिटी से अलग नहीं मैडम, क्या है कि ग्रोथ तो बाहर ही होना है। हाँ। सिटी में तो ग्रोथ होना नहीं है अभी, ग्रोथ बाहर होना है, तो अगर उस जगह देखा जाए तो स्टेप काफी ग्रोथ हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बाहर रहने में अभी कोई। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।